Alright, yo, what's up guys, welcome back to my new video. दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज इसी खुशी में आपका टेक्स्ट हम बात करने वाले हैं WWE के शानदार फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर और WWE के हॉल ऑफ फेमर वो है और कोई नहीं, आप ही गेस करो। हाँ बाबू भैया, बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में, वो और कोई नहीं, वो है दी रॉक। दी रॉक को आप लोग ड्वेन जॉनसन के नाम से भी बुला सकते हैं। ये शानदार रेसलर होने के साथ साथ एक हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। तो गाइस, आज हम इस लाइफस्टाइल वीडियो में दी रॉक की पूरी बायोग्राफी को कवर करेंगे, तो बुलाए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना। आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो लेट्स गो। द रॉक की रियल नेम है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन की रिंग नेम है द रॉक। इनकी निकनेम है रॉकी। इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1972 है। इनकी बर्थ प्लेस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स है। इनकी एज 2022 के हिसाब से 50 ईयर्स हो चुका है। दी रॉक एनॉय फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली में बहुत सारे रेसलर्स जन्म लिए हैं और फेमस रेसलर रोमन रेंस भी इस फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। रॉक को बचपन से रेसलर बनने की कोई शौक नहीं था, उनको बड़े होकर एक बड़े फुटबॉलर बनने की शौक था, लेकिन इनकी किस्मत को कोई और ही मंजूर था। इनकी स्कूलिंग रिचमंड रोड प्राइमरी स्कूल में हुई थी और इनकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एडमिशन ली क्रिमिनोलॉजी और फिजियोलॉजी की कोर्स करने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में ये ज्वाइन हुए थे। ये अपने प्रोफेशन से एक एक्टर, रेसलर, फिल्म प्रोड्यूसर और एक बिजनेसमैन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दी रॉक ने अपने कॉलेज स्टडीज को ख़त्म करने के बाद एक साल तक रेसलिंग की ट्रेनिंग ली प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद दी रॉक ने 1996 में WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इन्होंने 4 नवंबर 1996 में अपने पहले प्रोफेशनल रेसलिंग मैच खेला था। इसके बाद रॉक ने अपने दूसरा मैच 17 नवंबर 1996 में अपने सेकेंड मैच को सर्वाइवर सीरीज में खेला था और इन्होंने उस मैच में गोल्ड डस्ट को हराया था। इसके बाद 1997 में 13 फरवरी मंडे नाइट रॉ में रॉक ने ट्रिपल एच को हराकर रेसलिंग की दुनिया में अपने नई पहचान बना ली। यहां से रॉक की कामयाबी की सफर शुरू हो गया। इसके बाद रॉक ने 2002 में WWF के रॉयल रंबल चैंपियनशिप को जीते थे। आपको बता दें कि रॉक ने करीबन 10 बार WWE चैंपियनशिप, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 5 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप को ये जीते हैं। 1996 से 2002 तक रॉक ने रेसलिंग की और दुनिया के फेमस रेसलर बन गए, लेकिन 2002 के बाद रॉक ने रेसलिंग को पार्ट टाइम कर दी। 2002 में रॉक ने हॉलीवुड में एक्ट करने की ठान ली और इन्होंने 2002 में द स्कॉर्पियन किंग मूवी में लीड रोल एक्टिंग की और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको अपने पहले मूवी को ही $5.5 मिलियन पे किए गए थे, जो उस वक्त के हाईएस्ट पेड सैलरी थी जो पहली बार एक्टिंग कर रहे थे। रॉक ने कई सारी सुपरहिट मूवीज की है जिनके नाम हैं जुमांजी, दी फास्ट एंड फ्यूरियस, बेवॉच और रैम्पेज जैसे और अच्छी मूवीज के ये हीरो बन चुके हैं। दोस्तों, आपको रॉक की कौन सी मूवी पसंद है हमें कमेंट में बता देना। मुझे तो रॉक की जुमांजी और फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी पसंद है। रॉक के लिए इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रॉक के फैमिली के बारे में। रॉक के फादर का नाम है रॉकी जॉनसन, जो WWE रेसलर थे। रॉक के मदर का नाम है एटा जॉनसन। रॉक की सिस्टर का नाम है वैंडा बॉल्स। रॉक के ब्रदर का नाम है कर्टिस बॉल्स। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम है लॉरेन हैशियन। इनके सेकेंड वाइफ का नाम है डैनी ग्रेशिया।
इनके तीन बेटियां हैं जिनके नाम हैं अलेक्जेंड्रा जॉनसन, जैस्मिन जॉनसन और जिया जॉनसन। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके घर के बारे में। इनके पास जॉर्जिया में एक आलीशान से आलीशान घर मौजूद है जिसकी कीमत $9.2 million है, जो इंडियन रुपीस में 60 crores होता है। और इन फोटोज में आप उनके घर की कुछ झलक को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके इनकम के बारे में। 2022 के हिसाब से रॉक एक मूवी में एक्ट करने के लिए $20 million चार्ज करते हैं, जो INR में 120 करोड़ होता है। रॉक की ज्यादा इनकम अपने बिजनेस से आता है और इनके पास $52 million के वर्थ करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। उन सभी से इनकी अच्छी इनकम होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में। इनके नेटवर्थ 2022 में $350 million हो चुका है, जो इंडियन रुपीस में 2793 crores है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। इनकी पहली गाड़ी का नाम है लैम्बोर्गिनी हुराकन, जिसकी प्राइस 3.22 करोड़ से लेकर 3.73 करोड़ तक है। इनके दूसरी गाड़ी का नाम है कैडिलैक एस्केलेड, जिसकी प्राइस 1.20 करोड़ तक है। इनकी तीसरा गाड़ी का नाम रेंज रोवर स्पोर्ट्स है, जिसकी प्राइस 1.64 करोड़ से लेकर 1.84 करोड़ तक है। इनकी चौथा गाड़ी का नाम है फोर्ड मस्टैंग, जिसकी प्राइस 74.61 लाख से शुरू होता है। इनकी पांचवा गाड़ी का नाम है फोर्ड F-150, जिसकी प्राइस 29.2 लाख तक है। इनकी सिक्स्थ कार का नाम है BMW i8, जिसकी प्राइस 2.62 करोड़ तक है। इनकी सेवेंथ गाड़ी का नाम है रोल्स रॉयस रेट, जिसकी प्राइस 6.22 करोड़ से शुरू होकर 7.21 करोड़ तक है। इनकी एट्थ गाड़ी का नाम है लेफरारी अपेटा, जिसकी प्राइस 13.32 करोड़ है। इनकी फाइनल गाड़ी का नाम है पगानी ह्यूएरा, जिसकी प्राइस 61.69 करोड़ से शुरू होकर 83.04 करोड़ तक है। दोस्तों फाइनली आता है इनके एयरप्लेन्स कलेक्शन। इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम है गल्फस्ट्रीम G650, जिसकी प्राइस $65 million है, जो इंडियन रुपीस में 519 करोड़ तक है। इनके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है जिसकी प्राइस 12.50 करोड़ से शुरू होकर 15 करोड़ तक है। तो गाइस ये था हमारा आज की वीडियो। आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना। गाइस एक अनाउंसमेंट है कि मेरे चैनल में सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं 100 सब्सक्राइबर्स होने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स को भी बता दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो, बाय गाइस।